सिक्स के साइंस में लास्ट लेक्चर में हमने देखा था चैप्टर नंबर 13 फोन विथ मैग्नेट। तो फोन विथ मैग्नेट्स के अंदर हमने जो हाउ मैग्नेट्स वर डिस्कवर यानी कि मैग्नेट जो है उसे कैसे पाया गया था उसके बारे में जो शेफर्ड की स्टोरी है वो पढ़ी थी। नेक्स्ट हमने देखा था एक्टिविटी 1 के अंदर कि अलग अलग टाइप के जो डिफरेंट शेप के मैग्नेट जो है वो और उसके साथ साथ जो मैग्नेट के अफेक्ट जो है वो कैसे होती है उसके बारे में देखा था। यहाँ पे हमने मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक चीज़ जो है अलग अलग मटेरियल से बनी हुई उसके बारे में आइडेंटिफाई किया था और ऑब्जेक्ट जो है उसे वो मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट होता है कि नहीं वो फाइंड करके उसके बाद हमने नीचे जो टेबल जो है वो कंप्लीट किया था। यहाँ पे हमने एक्टिविटी 3 और 4 के अंदर देखा था कि मैग्नेट जो है उसे अगर हम सोयल के साथ रब करें तो इसके अंदर से उसके जो मैग्नेटिक पीसेस जो है वो उसके साथ स्टिक हो जाएंगे और मैग्नेट जो है इसके अंदर सोयल में से भी हमने जो उसके मैग्नेटिक स्टिक्स जो है वो मिलेंगे ना। यहाँ पे हमने 13.3 के अंदर देखा था फाइंडिंग डायरेक्शन यानी कि डायरेक्शन जो है दिशाएँ जो है उसे फाइंड करने के लिए मैग्नेट जो है उसका यूज़ कैसे होता है उसके बारे में भी हमने यहाँ पे जाना था। तो आज हम यहाँ पे 13.4 है मेक योर ओन मैग्नेट वहाँ से देखेंगे। देर आर सेवरल मेथड ऑफ मेकिंग मैग्नेट, लेट्स लर्न द सिंपल वन। कि यहाँ पे कई सारी मैग्नेट बनाने की मेथड्स है तो चलो हम यहाँ पे एक सिंपल मेथड जो है उससे सीखे। टेक अ रेक्टेंगल पीसेस ऑफ आयरन, आयरन का एक रेक्टेंगल पीस जो है उसे लो, प्लेस इट ऑन द टेबल और टेबल जो है उसके ऊपर रखो। नाउ टेक अ बार मैग्नेट एंड प्लेस वन ऑफ इट्स पोल्स नियर वन एड्स ऑन द बार ऑफ आयरन। अभी मैग्नेट जो है उसे उसके जो पोल जो है उसके साइड में ही आयरन जो है उसका टुकड़ा रखो। विदाउट लिफ्टिंग द बार मैग्नेट मूव विथ अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द आयरन बार टिल योर रीच द अदर एंड। कि जब आप दूसरे एंड के ऊपर मैग्नेट जो है उसे लिफ्ट करोगे तो आयरन का टुकड़ा जो है वो भी उसके साथ में चलेगा। द सेम पोल यू स्टार्टेड विथ to the same point of the iron bar from which you began, move the magnet again along the iron bar in the same direction as you did before. कि iron जो है आयरन का जो पीस जो है उसे आपने टेबल पे रखा है तो नीचे मैग्नेट को आप जिस तरफ में मूव करोगे उसी साइड में जो आयरन का टुकड़ा जो है वो भी उसके उसी डायरेक्शन में मूव होगा क्योंकि मैग्नेट जो है उसके साथ वो अट्रैक्ट होता है। Move the magnet again along the iron bar in the same direction as you did before. Repeat this process about 30 and 40 minutes. कि यही प्रोसेस जो है उसे आपको 30 और 40 टाइम तक रिपीट करना है। Bring a pin or some iron fillings near the iron bar to check whether it has become a magnet. तो उसके बाद पिन जो है या फिर एक आयरन फिलिंग वाली कोई भी दूसरी चीज़ है उसे लो और उसके बाद चेक करो कि जो आपने आयरन का पीस लिया था वो मैग्नेट बना है कि नहीं। इफ नॉट कंटिन्यू द प्रोसेस फॉर सम मोर टाइम, कि अगर नहीं बना है तो थोड़े और टाइम तक आप ये वाली प्रोसेस करो। यहाँ पे आपको फिगर 13.11 के अंदर दिया गया है मेकिंग योर ओन मैग्नेट कि आपका मैग्नेट जो है वो बनाना। रिमेंबर दैट द पोल ऑफ द मैग्नेट एंड द डायरेक्शन ऑफ इट्स मूवमेंट शुड नॉट चेंज। कि आपको ये भी याद रखना है कि जो मैग्नेट का पोल जो है वो और उसकी जो डायरेक्शन दिशा जो है मूव करने की वो चेंज नहीं होनी चाहिए। मतलब कि जो साइड में आप मैग्नेट जो है उसे रब कर रहे हो वही साइड पर आपको 30 या 40 टाइम तक रिपीट करना है। You can also use an iron nail, a needle or a blade and convert them into a magnet. तो इसके जैसे ही आप iron nail, needle और blade जो है उसका भी magnet बनाने में use कर सकते हो। You now know how to make a magnet. Would you like to make your own compass? कि अभी आपने देखा कि आप जो है वो भी magnet बना सकते हो तो क्या आप भी magnet बनाना चाहोगे? Now activity 6, figure 13.12, a compass in a cup. कप जो है इसके अंदर दिशा जो है डायरेक्शन जो है वो फाइंड करने के लिए कंपास बनाया हुआ है। मैग्नेस्टिक आयरन नीडल यूजिंग अ बार मैग्नेट, कि मैग्नेस्टाइन आयरन जो है उसकी नीडल जो है वो बार मैग्नेट के अंदर यूज होती है। नाउ इंसर्ट द मैग्नेस्टाइन नीडल थ्रू अ स्मॉल पीसेज ऑफ कॉर्क ऑफ फोम।
लेट द कॉर्न फ्लोट इन वाटर इन अ बाउल और अ टब, टब के अंदर या फिर बाउल के अंदर ये वाली नीडल जो है इसे रखो. मेक श्योर दैट द नीडल डज नॉट टच द वाटर, कि आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो नीडल जो है वो पानी जो है उसे टच ना करे. योर कंपास इज नाउ रेडी टू वर्क, अभी आपका कंपास जो है वो वर्क करने के लिए रेडी है. मेक अ नोट ऑफ द डायरेक्शन इन विच द नीडल पॉइंट्स व्हेन द कॉर्क ऑफ फ्लोटिंग, कि जब वो कॉर्क जो है वो फ्लोटिंग होता है तब उसका मिडल में से जो पॉइंट जो है वो जिस समझ जाएगा वो उसका डायरेक्शन जो है वो हमें यहाँ पे दर्शाता है. रोटेट द कॉर्क विद द नीडल फिक्स्ड इन इट इन डिफरेंट डायरेक्शन, नोट द डायरेक्शन इन विच इज द नीडल पॉइंट व्हेन द कॉर्क बिगिंग टू फ्लोट अगेन विदाउट रोटिंग, कि अभी यहाँ पे डायरेक्शन जो है उसे फिक्स कर लो कि कौन सी डायरेक्शन में वो जो है वो मूव होता है. डज द नीडल ऑलवेज पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन व्हेन द कॉर्क स्टॉप रोटिंग, कि जब भी आप नीडल जो है उसे मूव करें तो वो सेम डायरेक्शन के अंदर अगर रुक जाएगा तो वो जो है वो यहाँ पे आपका मैग्नेट बार जो है वो कंप्लीट है. नाउ 13.5 अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन मैग्नेट्स, मैग्नेट्स जो है उसके अंदर अट्रैक्शन जो है वो क्या है उसके बारे में यहाँ पे आपको दिया हुआ है. लेट्स प्ले अनदर इंटरेस्टिंग गेम विथ मैग्नेट, तो चलो हम मैग्नेट के साथ एक दूसरी इंटरेस्टिंग गेम जो है वो खेलें. टेक टू स्मॉल टॉय कार्स एंड लेबल देम ए एंड बी, कि दो छोटे छोटे टॉय कार जो है मतलब कि कार के जो खिलौने होते हैं उसे लो और उसके ऊपर लेबल ए और बी लगाओ. प्लेस ए बार मैग्नेट ऑन टॉप ऑफ ईच कार अलोंग इट्स लेंथ एंड फिक्स देम विथ रबर बैंड, कि उसके टॉप के ऊपर मैग्नेट लगाओ और उसे रबर बैंड से उसके साथ फिक्स कर दो. यहाँ पे देखो 13.30 के अंदर है डू अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, कि कार जो है उसके ऊपर अपोजिट पोल जो है वो लगाए हुए हैं. यहाँ पे देखो नंबर ए के अंदर जिस साइड में है तो नंबर बी के अंदर उससे अलग साइड में मतलब कि अपोजिट साइड में है. इन कार ए कीप द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट टुवर्ड इट्स फ्रंट, कि जो ए नंबर की जो कार है इसके अंदर साउथ पोल मैग्नेट जो है उसे फ्रंट के अंदर रखो. प्लेस द मैग्नेट इन अपोजिट डायरेक्शन इन कार बी, और उसके बाद बी नंबर की कार जो है इसके अंदर अपोजिट साइड का मैग्नेट रखो. नाउ प्लेस द टू कार्स क्लोज टू वन अनदर, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, अभी दोनों जो है उसे दोनों कार को एक दूसरे के सामने रखो और उसके बाद देखो कि आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो. डू द कार रिमेन एट देयर प्लेसेस, कि कार जो है वो अपनी प्लेस पे ही अपनी जगह पे ही रहती है. डू द कार्स रन अवे फ्रॉम ईच अदर, कि कार जो है वो एक दूसरे के साथ जाती है कि नहीं. Do they move towards each other and collide? Record your observation in the table as shown in table 13.3. कि यहाँ पर जो आपने देखा है उसे 13.3 के अंदर फिल करो. Do the now place the toy car close to each other such that the rear side of car A faces the front of side car B. अभी क्या करना है कि कार A और B जो है दोनों को अपनी साइड पे ही रखो और दोनों जो है उसकी डायरेक्शन भी सेम रखो. डू दे मूव एंड बिफोर, उसके बाद वो जो है वो मूव होता है कि नहीं. नॉट द डायरेक्शन इन विच द कार मूव नाउ, कि अभी देखो कि उसकी डायरेक्शन जो है दिशा जो है वो मूव होती है कि नहीं. नेक्स्ट प्लेस द कार ए बिहाइंड कार बी एंड नॉट द डायरेक्शन इन विच दे मूव इन ईच केस, तो उसके बाद कार ए जो है उसे बी के बिहाइंड में यानी कि पीछे की साइड में रखो और उसके बाद नोट करो कि कार जो है वो मूव होगी कि नहीं होगी. रिपीट द एक्टिविटी बाय प्लेसिंग कार्स विद देयर रियर साइड फेसिंग ईच अदर, तो उसके बाद दोनों जो है उसके फेस एक दूसरे से ऑपोजिट साइड में रखो मतलब कि सिमिलर में रखो, तो उसके बाद आप देखो कि उसके अंदर क्या ऑब्जर्व होता है. व्हाट डू यू फाइंड फ्रॉम दिस एक्टिविटी, तो ये एक्टिविटी जो है उसके अंदर हमने क्या सीखा. डू टू सिमिलर पोल्स अट्रैक्ट और रिपल ईच अदर, व्हाट अबाउट ऑपोजिट पोल्स, डू दे अट्रैक्ट और रिपल ईच अदर, कि इसके अंदर देखो कि ऑपोजिट पोल्स जो है वो एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं कि नहीं, तो उसके बारे में जानो. दिस प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेट्स कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व बाय सस्पेंडिंग अ मैग्नेट एंड ब्रिंगिंग वन बाय वन
द पोल्स ऑफ अनदर मैग्नेट नियर इट। तो इसके अंदर देखो कि जो मैग्नेट पोल्स जो है कि जो कि अलग अलग डायरेक्शन में होता है, तो इसे अगर हम साथ में रखें तो जो अपोजिट साइड जो है इसके अंदर वो जो है वो अट्रैक्ट नहीं होगा, लेकिन सिमिलर साइड में रखो तो वो जो है वो अट्रैक्ट होगा। बुजो हैज दिस क्वेश्चन फॉर यू, व्हाट विल हैपन इफ अ मैग्नेट इज ब्रॉट नियर अ कंपास, कि कंपास जो है उसके साइड में अगर हम मैग्नेट को रखें तो इसके अंदर क्या होगा। नाउ अ फ्यू कॉशंस, मैग्नेट्स लूज देयर प्रॉपर्टीज इफ दे आर हीटेड, कि मैग्नेट जो है इसे अगर हम हीट करें, गर्म कर दें, तो इसके अंदर का जो अट्रैक्शन जो है वो गायब हो जाता है। हैमर्ड और ड्रॉप्ड फ्रॉम सम हाइट्स, कि अगर उसे हम हैमर्ड करें या फिर हाइट में से ऊंचाई से छोड़ दें तो भी उसको इंजरी होती है। ऑल्सो मैग्नेट्स बिकम वीक इफ दे आर नॉट स्टोर्ड प्रॉपरली, कि अगर उसे हम अच्छे से नहीं रखें अच्छी जगह पे तो भी उसके अंदर जो वीक जो है वो हो जाता है वो। टू कीप देम सेफ बार मैग्नेट शुड बी केप्ट इन पेयर विद द रन लाइक पोल्स ऑन द सेम साइड, कि इसे अच्छे तरह रखने के लिए सेम साइड के पोल्स जो है उसके साथ ही उसे रखो। दे मस्ट बी सेपरेटेड बाय अ पीस ऑफ वुड व्हाइल टू पीसेज ऑफ सॉफ्ट आयरन शुड बी प्लेस्ड अक्रॉस देयर हैंड्स। फॉर हॉर्स शो मैग्नेट वन शुड कीप अ पीसेज ऑफ आयरन अक्रॉस द पोल्स, कि पोल्स जो है उसके साइड में ही जो मैग्नेट में जो आयरन पीसेस जो है उसे भी साथ में रखो। कीप मैग्नेट्स अवे फ्रॉम कैसल मोबाइल टेलीविजन म्यूजिक सिस्टम कॉम्पैक्ट डिस्क एंड द कंप्यूटर्स, कि मैग्नेट्स जो है उसे कैस्टल मोबाइल और टेलीविज़न म्यूजिक सिस्टम ये सभी जो है इससे दूर रखो। तो यहाँ पे हमने मैग्नेट्स जो है उसके अलग अलग जो डायरेक्शन जो है उसके बारे में देखा, और मैग्नेट जो है उसका अट्रैक्शन जो है वो कहाँ पे कब होता है उसके बारे में देखा। तो यहाँ पे आपको टेबल नंबर 13.3 जो है इसके अंदर पोजिशन ऑफ द कार और हाउ डू द कार मूव, कार जो है वो कौन सी पोजिशन में कहाँ से मूव होती है उसके बारे में भी यहाँ पर टेबल कम्प्लीट करना है। तो यहाँ पे कीवर्ड के अंदर आपको न्यू वर्ड दिए गए हैं कंपास, मैग्नेट, मैग्नेटाइट, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों जो है वो मैग्नेट की अलग अलग डायरेक्शंस हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके अंदर जो एक्सरसाइज दी गई है उसके बारे में देखेंगे। यहाँ पे समरी के अंदर है मैग्नेटाइट इज़ अ नेचुरल मैग्नेट, कि मैग्नेटाइट किसे कहते हैं, कि जो नेचुरल मैग्नेट है उसे। मैग्नेट अट्रैक्ट में मटेरियल लाइक आयरन, निकल, कोबल्ट, दीज आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल, कि आयरन और कोबल्ट जो है ये सभी मटेरियल जो है जिससे कि मैग्नेट अट्रैक्ट होता है उसे मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। मटेरियल्स दैट आर नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड मैग्नेट्स आर कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक, कि जो मटेरियल मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट नहीं होता है उसे नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। ईच मैग्नेट हैज़ टू मैग्नेटिक पोल्स नॉर्थ एंड साउथ, कि सभी मैग्नेट के अंदर दो पोल होते हैं नॉर्थ और साउथ, यानी कि दो अलग अलग डायरेक्शन के अंदर। अ फ्रीली सस्पेंड मैग्नेट ऑलवेज अगेन अलाइन इन एन एस डायरेक्शन, कि अगर हम मैग्नेट को फ्रीली रखें तो वो जो है वो एन एस यानी कि नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन में ही रहेगा। अपोजिट पोल्स ऑफ टू मैग्नेट्स अट्रैक्ट ईच अदर वेर एरियाज सिमिलर पोल्स रिपल नॉट अनदर, कि मैग्नेट जो है इसके ऑपोजिट साइड जो है वही एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन अगर सिमिलर पोल्स जो हम रखेंगे तो वो एक दूसरे से अट्रैक्ट नहीं होंगे। तो इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज जो है उसके क्वेश्चन आंसर लिखेंगे।